इस पीरियड ट्यूटोरियल में हम पैरेलल मॉडल को डिस्कस करेंगे। पैरेलल मॉडल को कब यूज करते हैं, पैरेलल मॉडल के फंक्शंस क्या क्या हैं और पैरेलल मॉडल को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं केरास पाइथन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट देयर इज एन एपीआई जिसका नाम है फंक्शनल एपीआई, जिसकी मदद से हम लोग पैरेलल मॉडल इम्प्लीमेंट या फंक्शनल मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इसका नाम जिस तरह कि आपको पता चल रहा है पैरेलल, दैट मीन्स देयर आर मॉडल देयर आर लेयर्स दैट रन पैरेलल। इसमें लेयर्स होती हैं जो पैरेलल वर्क करती हैं पैरेलल इनपुट्स पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है अभी आपको आइडिया हो जाएगा। इट स्पेसिफिकली अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल इनपुट और आउटपुट मॉडल एज वेल एज मॉडल्स दैट शेयर लेयर्स। जैसे कि आपको आइडिया है कि सिक्वेंशियल मॉडल्स में हम एक ही इनपुट देते थे और उससे एक ही इनपुट आउट एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन फंक्शनल एपीआई उस कॉन्स्ट्रेंट को ख़त्म करता है जहाँ पे आप मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट स्पेसिफिकली अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट मॉडल्स एज वेल एज मॉडल्स दैट शेयर लेयर्स। सो मल्टीपल इनपुट्स फर्स्ट पॉइंट, मल्टीपल आउटपुट सेकेंड पॉइंट एंड शेयरिंग ऑफ लेयर्स थर्ड पॉइंट। सो यू शुड रिमेंबर दीज थ्री पॉइंट्स। मॉडल्स आर डिफाइंड बाई क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ लेयर्स, कनेक्टिंग देम डायरेक्टली टू ईच अदर इन पेयर्स, देन डिफाइनिंग अ मॉडल दैट स्पेसिफाइज द लेयर्स टू एक्ट एज इनपुट आउटपुट ऑफ द मॉडल। जस्ट लाइक इन द इमेज यू कैन सी दैट यू हैव टू क्रिएट मॉडल्स। Models are defined as creating instances of layers. You have to define instance layers, models as instance of layers, and then you have to connect them, right? Okay. So, इसमें ये है कि आप layers create करेंगे और you have to connect them by telling कि किसका input, किसके output, किसका input, किसका output किसके input में जा रहा है और so and so forth. सो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट लेयर डिफाइन किया और उसके अंदर वन लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर्स डिफाइन किए हैं, उनको मैक्स पूल किया अलहदा अलहदा और उन सबको कॉनकैटिनेट कर दिया एक के अंदर। तो मल्टीपल इनपुट्स आए और उसको कॉनकैटिनेट करके एक इनपुट बना दिया और उसको यूज़ किया बाद में। सो लेट्स सी व्हाट्स अहेड। पैरेलल मॉडल डिफाइनिंग इनपुट्स। सो You should know how you can make your own functional model or parallel model. So first you have to do is you have to define your input. You must create and define standalone input layer that specifies shape of input data. So आपने करना ये है कि आपने specifically पहले एक इनपुट जनरेट करनी है, इनपुट डेटा जनरेट करना है जिसमें आप सिर्फ उसको बताएंगे कि उसकी शेप ये है, ठीक है। इनपुट वन उसकी शेप ये है, इनपुट टू उसकी शेप ये है, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको डिफाइन करना है। व्हेन इनपुट इज वन डायमेंशनल सच एज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और एमएलपी, द शेप मच एक्सप्लिसिटली लीव रूम फॉर शेप ऑफ मिनी बैच साइज यूज when expressing the data when training the network. Okay, so वो कह रहा ये है कि जब आप input को एक dimensional लेंगे just like in MLP, तो shape के आपने shape में mini batch का एक जगह छोड़नी है, सही है। तो वो छोड़नी इस तरह है कि आपने उसको एक one dimensional input दे के comma के साथ आपने उसको खाली छोड़ देना है। That means there is something else to come. So connecting layers. This is done by specifying where the input comes from when defining each new layer. Okay. So as I told you before, कि आपको आपकी layers connect इस तरह होती हैं कि आपका first layer की जो output होती है वो second layer की input बन जाती है, या so on so forth। आप इनको इस तरह connect कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अ ब्रैकेट नोटेशन इज यूज सच एज सच दैट आफ्टर द लेयर इज क्रिएटेड
the layer from which the input to the current comes from is specified. Okay, so आप bracket के अंदर उसको बता देते हैं कि ये वाली input उस वाली layer से आ रही है. So उसे आपको idea हो जाता है, आपके model को idea हो जाता है कि ये कहाँ से input आ रही है और कहाँ से connect हो रहा है आपकी ये layer. Creating the model. Okay. So after doing connection, after connecting the layers, you have to create the model. Creating the model is just like आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं एक के अंदर. So let's read it out. Keras provides a model class that you can created layers. It requires that you only specify the input and output layers. So in model class, in like for the creation of the model, you just have to tell your model that it's the input and it's the output. So that's how it will create the whole model after that. So it will be more clear when we'll see the code. So let's see code hum kaise kar sakte hain aur kya kya uske andar cheeze aati hain. Before that, let me tell you about this diagram. As you can see, there are two inputs, input 2, input 1. Input 2 layer has this part. As you can see, input none and 128, one dimensional vector goes to like dense and gives 64 as output, and it all goes towards dense 5. So and here as input 1, it goes to dense 2. So after that, after these independent convolutions or independent layers that worked, it will be concatenated into 1. So you will give it input and output, input of both sides, and you will get output from one side. So after that, you can do more computations if you want to do, or you can stack more layers. So let's see the code. In this code, okay, in this code you'll see we are importing Keras input. As you know, we have input the data and model from Keras.layers input. You can input any kind of layer you want to add in your models. I have inputted dense there, and you have to import concatenate, as you have to concatenate in the end. Okay, input A is equals to input shape. You will tell the shape first, as I told you before कि आपने पहले shape बता देनी है inputs की, inputs दे देना है, input A, input B independently आपने बता दिया. Then आप layers define करेंगे. So the first branch operates is the first branch. So X is equals to dense 8 neuron activation ReLU input A. This is how you connect your layers with your input. Okay, so input A, X, N, model. Then input B, Y, Y, Y. After that, you will concatenate both outputs together and have combined layer. Then you are adding one more layer to it and you are connecting it to combine. और उसके बाद आप इसमें और भी add कर सकते हैं layers. लेकिन let's run this code first.
एज यू कैन सी कोड इज वर्किंग फाइन. और यहाँ पे हम लोग को इनपुट टू इनपुट वन में शेप्स आ रही हैं, और जब वो कॉन्कैटिनेट हो गया और वो डेंस में चला गया, और उससे हम लोग को आउटपुट जो मिल रहा है वो है 64. और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कनेक्शन भी नज़र आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था, और ये हम लोग को शो कर रहा है कि ये इनपुट टू से कनेक्टेड है और ये इनपुट वन से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी.